शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तुमने कुछ किया है ना? जरूर तुमने कुछ किया होगा। उसने खुद फोन किया था हमको और खुद कुछ बोल नहीं पाया। जब होश में आएगा ना तो खुद पूछ लेना उससे कि तुम्हारे बजाय हमको क्यों फोन किया। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? अभी जो पेशेंट आया उसे आप अपने साथ लेकर आई थी ना? जी। आप आइए मेरे साथ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी। डॉक्टर साहब, हम उनकी कोई नहीं है, ये उनकी वाइफ है, यही उनका ख्याल रखेंगे। हाँ डॉक्टर साहब, हम उनकी वाइफ है, हमें बताइए ना क्या हुआ है। ठीक है, आप मेरे साथ मेरे केबिन में आइए। ठीक है, चलिए चलिए चलिए। शर्मनी, डोंट वरी, सब कुछ सही हो जाएगा। और तुमने अच्छा फैसला किया, सही संभालने दो। पता नहीं रोहन, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, शिवान जैसे कैसे बेहोश हो गए अचानक, हमें बहुत चिंता हो रही है। श्रवणी, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। चलो, अगर इतनी चिंता हो रही है तो डॉक्टर से बात कर लेते। रिपोर्ट्स अच्छी नहीं है, आपके पति की दोनों किडनियां खराब हो गई, इसके दर्द से ही वो कॉलेप्स कर गए। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? दोनों किडनी कैसे? दोनों किडनी? आपके पति के बेहतर भविष्य के लिए हमें किडनी डोनर चाहिए होगा, वो भी तुरंत। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसे कैसे दोनों किडनी अचानक खराब हो सकती है? पहले तो ऐसे कोई सिम्टम्स भी नहीं थे और ना ही हिस्ट्री में ऐसा कुछ है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, उनको पहले से थोड़ा बहुत दर्द रहा होगा, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब हमारे पास में किडनी ट्रांसप्लांट ही एकमात्र ऑप्शन है। किडनी ट्रांसप्लांट? डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारी किडनी चेक कीजिए, शायद उनसे मैच हो जाए। हाँ ठीक है, लेकिन अगर किडनी डोनर कोई करीबी रिश्तेदार रहेगा तो किडनी मैच होने के चांसेस ज्यादा है। देखिए, पहले हम पेशेंट की वाइफ को कंसिडर करते हैं, फिर बाद में देखेंगे आपको। डॉक्टर साहब, पेपर्स पर अब भी हम पेशेंट की पत्नी हैं, इससे बड़ा और कोई सबूत चाहिए आपको? आप सबसे पहले हमारी जांच करवाइए, हमारे पास वक्त नहीं है, शिवांश को जल्द से जल्द ठीक करना होगा हमें। देखिए, आप परेशान है ये बात मैं समझता हूँ, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, किडनी का मैच होना भी जरूरी है। डॉक्टर, एक सेकंड। शवनी, क्या कर रही हो? तुम मेडिकल स्टूडेंट हो, जानती हो तुम मां बनने वाली हो, ये कितना रिस्क हो सकता है? रोहन, प्लीज, हमारे पास ये सब सोचने का समय नहीं है, और हम इतना बुरा सोचें क्यों? अभी हमें सिर्फ शिवांश को ठीक करना है और कुछ भी नहीं। प्लीज, हमें करने दो हम जो कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारे जितने भी जरूरी टेस्ट है आप शुरू कीजिए, जल्दी कीजिए आप। नर्स, आप इनके ब्लड सैंपल ले लीजिए। ठीक है, नर्स आपके ब्लड सैंपल ले लेगी, लेकिन रिपोर्ट्स के लिए आपको सुबह तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक रिक्वेस्ट है, क्या हम अभी चेकअप से पहले एक बार शिवान से मिल सकते हैं क्या, प्लीज? देखिए, अभी वो ICU में है और वहाँ पर विजिटर्स अलाउड नहीं है। नर्स, आप इनके सैंपल ले लीजिए। शवनी ने अपनी किडनी दे दी तो हमारा सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। एक तो वो पहले ही शिवांश के बच्चे की माँ बनने वाली है, किडनी भी दे देगी तब तो शिवांश इसकी आरती उतारने लगेगा। चलिए। रुको, तुम किडनी नहीं दोगी शिवांश को, समझी? डॉक्टर साहब, शिवांश की पत्नी अब हम हैं, उनके सारे फैसले अब हम लेंगे, ये नहीं।
स्वीटी, ये तो सिर्फ कागज पर उनकी बीवी है, नाम के लिए। असली बीवी तो हम हैं, हम। और शिवांश ने तो कब का इसको अपनी जिंदगी से निकाल चुके हैं। और तलाक के कागज पर तो साइन भी कर दिए हैं, हमारी शादी से पहले। और अब इतना बड़ा फैसला हमसे बिना पूछे आप लोग कैसे ले सकते? नहीं ले सकते। और हमारा फैसला ये है कि शिवांश को किडनी हम देंगे, ये नहीं। स्वीटी, ये भी कोई वक्त है होड़ लगाने का? समझ में आ रहा है तुम्हें? शिवांश वहां जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हो और तुम उनकी बेकार की बातें कर रही हो। उनकी जिंदगी की परवाह तुम्हें कब से होने लगी? हाँ, वो अब हमारे पति हैं, हम संभाल लेंगे उन्हें। क्या संभाल लोगी तुम? किडनी हम देंगे और तुम हमें रोक भी नहीं सकती, क्योंकि क्योंकि हम अब उनकी पत्नी हैं। देखिए, ये अस्पताल है, कचहरी नहीं। क्या इस बात से उतना फर्क नहीं पड़ता कि बीवी कौन है और कौन नहीं, जितना कि किडनी किसकी मैच करेगी उससे उतना फर्क पड़ता है। और पेशेंट तो बहुत लकी है कि दो दो लोग उसको किडनी देने के लिए तैयार हैं। देखिए, वैसे तो हम ये प्रेफर करते हैं कि डोनर पेशेंट का कोई करीबी रिश्तेदार, जैसे कि उसका खून का रिश्ता या फिर उसकी पत्नी। लेकिन नए कानून के हिसाब से कोई भी किडनी डोनेट कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक लीगल पेपर तैयार करना पड़ता है जिसमें यह कंडीशन दी गई होती है कि किडनी को बेचा नहीं गया है, बल्कि डोनर ने अपनी मर्जी से, अपनी कंसेंट से उसको डोनेट किया है। पहले हम आप दोनों का ब्लड सैंपल लेंगे, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि किसकी किडनी पेशेंट की किडनी से मैच करती है। सिस्टर, आप इन दोनों को टेस्ट के लिए ले जाइए। चलिए, आप दोनों मेरे साथ आइए। थैंक यू डॉक्टर। ये लोग ब्लड टेस्ट के लिए आए। ओके, आप लोग यहाँ बैठिए। जीते जी मार दिया शिवांश को और अब बचाने का ढोंग कर रही हो। तुम्हारे धोखे की वजह से वो अब शराब पीने लगा। बेटी, तुम समझोगी नहीं, फिर भी कह रहे, ये वक्त शिवांश की जान बचाने का है, तुम बाद में लड़ लेना हमसे। ज्यादा महान बनने की कोशिश मत करो। बता रहे हम तुम्हें, अगर हम दोनों में दोनों की किडनी मैच कर गई, याद रखना, शिवांश को किडनी सिर्फ हम देंगे, तुम नहीं, समझी? दर्द तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। बस बस, कितना खून निकाल रहे हो? और मत निकालो। बस हो गया, हो गया, हो गया, बस बस। वो रिपोर्ट्स कब तक आ जाएंगी? रिपोर्ट्स कल सुबह तक आ जाएगी, आप लोग घर जाइए। नहीं, हम यहीं रुकेंगे। लेकिन पेशेंट से मिलना तो नहीं होगा? जानते, उनसे नहीं मिल पाएंगे, लेकिन सुबह तो होने वाली है ना। कोई बात नहीं, हम यही बाहर कॉरिडोर में रुक जाएंगे। मैम, मैम हमारे साथ चलिए। का? आपका एक और टेस्ट होना है। एक और टेस्ट? भगवान करे तुम्हारे सारे टेस्ट सही हो जाए और तू हमारे हमारे शिबू को किडनी दे सके और शिबू घर आ जाए।
जा बेटा जा। हाँ, जी अम्मा जी। चलिए आप। अब स्वीटी तुमने कुछ खाया नहीं ना सुबह से? नहीं नहीं कुछ नहीं खाया। नहीं खाया हम इसको कुछ खिला लें, पता चला बेहोश बेहोश हो गई, उसके बाद आप ले जाइएगा, हम खुद ले आएंगे। ठीक है, आप इन्हें लैब में ले आइएगा, आगे से दाही नहीं हो रहे। जी चल स्वीटी। आप लोग भी बाहर चलिए, पेशेंट को आराम करने दीजिए। शिबू बेटा घबराना मत, हिम्मत रखना। प्लीज आप लोग ही बाहर चलिए, पेशेंट को आराम करने दीजिए। तुमने देखा उसने तुम्हारा हाथ कितने प्यार से पकड़ा? मम्मी हाथ इसीलिए पकड़ा था क्योंकि उसको लगा था कि हम उसे किडनी दे। वही बात तो है कि उसे लगा, लगना बहुत जरूरी है स्वीटी, काम हो ना, पर सामने वाले को लगना चाहिए इंसान ने डट के मेहनत की है। तो आपकी ये मेहनत वेहनत के चक्कर में हम किडनी दे दे, हम जान भी देते। अरे तुम्हारे नंबर तो बिना किडनी दिए ही बढ़ रहे हैं, तो किडनी देने की क्या जरूरत है? और किडनी तो तब दोगी ना जब तुम्हारे टेस्ट के सारे रिपोर्ट आ जाएंगे। क्या मतलब? हम समझे नहीं। तुम ना ही समझो, तुम एक काम करो, खून देने से पहले इसको भटक जाओ। अरे क्या सोच रही हो, हम सब पता कर लिए हैं, जो लोग पीते हैं ना कि किडनी नहीं ली जाती, एक सांस में कटक लो। कटक लो। शिवांश की जान बचा सकती हो, सुना तुमने? सिर्फ तुम बचा सकती हो। स्वीटी प्लीज मना मत करो। क्या हुआ, डर रही हो? डरने की कोई बात ही नहीं है स्वीटी, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ भी नहीं। हम खुद डॉक्टर हैं,
हम सब जानते हैं। देखो हमारे अंदर दो किडनी होती है, लेकिन इंसान अगर एक किडनी किसी को दे भी दे तो एक किडनी के सहारे सेहतमंद जिंदगी जी सकता है, वो भी बहुत आराम से, बिना कोई तकलीफ के। कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम तो खुद अपनी किडनी दे देते ना, लेकिन हम प्रेग्नेंट हैं, हम नहीं दे सकते और हमारी किडनी तो मैच भी नहीं हुई। हमें बस तुमसे उम्मीद है स्वीटी, तुम मना मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम कह रहे हैं ना, तुम अपनी किडनी दे दो, हाँ बोल दो स्वीटी, हाँ बोल दो। शिवांश, शिवांश को तुम भी बचा सकती हो स्वीटी, बस करो। तुम मरना है ना तो मर जाओ जाके, चुल्लू भर पानी में भी डूब के मरना है ना तो कोई तुम्हारी चिंता नहीं करने वाला है, और ना किसी को फर्क पड़ेगा, शिवांश को भी नहीं। और काम मिला तुमको ये महानता की मूरत बनकर, शिवांश ने छोड़ दिया ना तुमको। और रही बात स्वीटी की, कोई जान मान नहीं देने वाली मेरी बेटी, और किसके लिए वो शिवांश है क्या चीज, सिर्फ एक खिलौना है जो हमने तुमसे छीन कर अपनी बेटी को दे दिया, और हमारी बेटी का जब दिल भरेगा उठा के उसको फेंक देगी। नहीं मम्मी, हम शिवांश से सच में प्यार करते हैं, शिवांश को चाहते हैं, शिवांश कोई खिलौना नहीं है हमारे लिए। तुम स्वीटी, 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 नहीं है ना, चाहती हो ना तुम शिवांश को, हाँ तो ताई जी की बात क्यों मान रहे हो, मना कर दो ना इन्हें, अपनी किडनी दे दो शिवांश को। देखो अगर शिवांश को कुछ हो गया तो क्या करोगे तुम, चाहती हो ये ना तुम्हारी, पति है तुम्हारा शिवांश है ना, और तुम उसकी पत्नी, प्यार करती हो उससे, दे दो अपनी किडनी। हम कह रहे स्वीटी कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम पर विश्वास रखो, कुछ नहीं होने देंगे हम तुम्हें, तुम किडनी दे दो शिवांश को। स्वीटी हम कह रहे किडनी दे दो, अगर तुमने शिवांश को किडनी दे दी ना तो हम वादा करते हैं, हम वादा करते हैं तुमसे कि हम शिवांश को तलाक दे देंगे। सच में हम शिवांश की जिंदगी से बहुत दूर चले जाएंगे, बहुत दूर, पर कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे। हम तुम ना श्रवणी, हमारी बेटी को बरगलाना बंद करो, झूठी हो तुम, ये तो बेवकूफ है एक नंबर की, प्यार में पागल। हम इसकी माँ है, हमको पता है इसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और जितना हम जानते हैं ना स्वीटी को, स्वीटी इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक जन से प्यार करती है, वो है खुद से। सबसे बड़ी बात, शिवांश नहीं बचा, मर गया किडनी देने के बाद भी, तो कहाँ ताई जी? बस यही फर्क है तुम्हारी और श्रवणी की चाहत में, तुम्हारे लिए ये सब खेल है पर श्रवणी के लिए पहुंच लो अपने आंसू, क्योंकि यहां इनकी कोई कीमत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है इन लोगों से किसी भी चीज की उम्मीद करने की, शिवांश के लिए दूसरे डोनर का इंतजाम हम कर लेंगे। कि जिंदगी भर आप जितनी नफरत करना चाहे उतनी नफरत करें। तो चलिए शिवांश से अब इसी नफरत के लिए ऑपरेशन करवा लीजिए। अरे आप लोग पीछे पीछे हट जाइए। डॉक्टर साहब देखिए ना क्या हुआ। हटिए हटिए सर, जल्दी से इंजेक्शन रेडी करो, आप लोग प्लीज बाहर जाइए प्लीज। शिवांश ध्यान रखना अपना, सीढ़ी चल 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 चल। We'll be right back.
शिवांश आप लेट जाइए। जो कहना है। आई डोंट नो श्रावणी, वो तुमसे इतनी नफरत करता है और तुम शिवांश को आज देख रहे हो, तुम उस शिवांश को देख रहे हो जो गुस्से में है। काश तुमने उस शिवांश को देखा होता जिससे हमने प्यार किया था। जानते हो वो हमारे लिए बिना पलक झपकाए ना जान की बाजी लगा देता था। हमारी बीवी जिंदा है, हम इस कायनात कहीं और घर आई है। जब हमारी उस शिवांश की शादी हुई तब अम्मा ने कहा कि ये आगे और नहीं बढ़ सकती। शिवांश हमारे और अम्मा के बीच ढाल बनकर खड़ा रहा रोहन। उन्होंने हमें सपोर्ट किया, सिर्फ एक अच्छा पति नहीं बल्कि एक अच्छा साथी भी था। थे, सही कहा तुमने, पर अब सब कुछ बदल गया है, हालात बदल गए। लेकिन हम तो वही हैं ना, हम कैसे भूल जाए रोहन। बोलो, इतना गणित लगा कर प्यार थोड़े किया जाता है। और ये बात भी हमको उन्होंने ही सिखाई है। जानते हो जब तुम्हारा नाम हमसे जोड़ा गया था तब सबने कहा कि ये बच्चा तुम्हारा है या शिवांश का, इसलिए हमें डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा ये साबित करने के लिए। शिवांश ने कहा कि खबरदार, जो किसी ने हमारी बीवी पर उंगली उठाई है तो हमारा सर उसी दिन उनके प्यार के आगे झुक गया। कोई किसी पर इतना भरोसा कैसे कर सकता है रोहन। श्रवणी होश में आओ, लगता है इस समय तुम समझ नहीं आ रहा कि तुम खुद क्या कह रही हो। रोहन हमारे पास वो दिल ही नहीं है जो शिवांश के लिए ना तड़पे, तो हम क्या करें बताओ। कह रहे थे कब से सो जाओ थोड़ी देर, पर सुनना नहीं है तुमको किसी के। ये सरदर्द भी ना मम्मी आप ही की वजह से हो रहा है। बच्चे भले शिवांश को एक किडनी दे देते तो पूरी जिंदगी वो हमारी पूजा करता। हाँ पूजा करता तुम्हारी, लेकिन तुम्हारे फोटो की हार टांग कर उस पर। एक किडनी देने से कोई मरता नहीं, कोई खतरा नहीं है एक किडनी देने में। अच्छा क्या बात है, तुम भगवान हो। हाँ बन गई ना भगवान श्रवणी शिवांश की नजरों में पूरी जिंदगी के लिए। अब उसे सिंगापुर लेके जा रही है। सिंगापुर लेके जाना है, बेलापुर लेकर नहीं जाना है। बहुत पैसे लगते हैं, अखिल ने बताया हमको। कहां से लाएंगे? आ गए। बेटा वो घर के कागज मंगा लेते ना। वो माँ बस लेकर आ रही है।
के लीजिए सेठ जी। घर गिरवी रखने की सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। अम्मा, हमारे पास इस घर के अलावा और है ही क्या? और हम बस अपने हिस्से का घर गिरवी रख रहे हैं। पेपर तो मैंने सारे देख लिए, सब ठीक है। अगर आपको इसका तुरंत दाम चाहिए तो हम 80 लाख रुपए दे पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन हमें 1,20,00,000 चाहिए। बेटा मैं 80 लाख से ऊपर नहीं दे पाऊंगा। बाकी के पैसे हम देंगे। पापा की हुई एफडी के पैसे थे, हमने सोचा था शिवांश को दे देंगे कुछ नया बिजनेस शुरू करने के लिए, पर आज वही पैसे उनकी जान बचाने के काम आ जाएंगे। पर स्वीटी, वो पैसे तो तुमने हार बनवा लिया था उसका, याद है? नहीं मम्मी, हमारे पास है। बाकी के 40 लाख हम देंगे। और दीदी ये बात याद रखना कि शिवांश के ऑपरेशन में हमने भी बराबर के पैसे लगाए हैं। हाँ। बराबर क्यों, पूरा श्रेय तुम ले सकती हो। जिंदगी में पहली बार एक बहुत सही फैसला किया है तुमने स्वीटी। पैसे से ही सही, एक पत्नी होने की पूरी जिम्मेदारी निभाई। थैंक यू। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमारा पति है, हमारा फर्ज बनता है। और हाँ, पैसे कल मिल जाएंगे। बहन जी आप साइन कर दीजिए, मैं पैसे दे देता हूं। हाँ। 80 लाख रुपए, अब इलाज कैसे होगा? वो तो शिवांश को आज ही ऑपरेशन के लिए ले जाना था, अब क्या करेंगे? सिंगापुर लेके जाने वाले थे ना। श्रावणी, जा रही हैं? पेशेंट को कितने बजे डिस्चार्ज करवाना है? पता नहीं, बस इतना पता है कि हम अपने पति को कुछ नहीं होने देंगे।
इतने सारे पैसे चोरी हो गए, इन लोगों तो सिंगापुर जाना था। बाहर आइए हमारे साथ। अगला कहीं होगा, वहां पे लूटपाट मची हुई है और तुमको यहाँ पे फुसफुसाना है? थाने फोन करने दो हमको। क्या होगा, थाने फोन करके क्या करेंगी? हमको सब पता है मम्मी, ये कांड आप ही ने किया है। हैं? ज्यादा बनो मत हमारे सामने। शिवांश की जान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। सच सच बताओ, कहाँ है पैसे? तुम पगला गई हो का? हैं? हम कहाँ पैसे चुराएंगे, तो और कौन चुराएगा? हाँ, आप भी हो यहाँ पे सबसे बड़ी खिलाड़ी। उस दिन रोहन ने आपको ताना मारा था ना, उसी के लिए आप ये सब नाटक कर रही हो, ये सब ड्रामा कर रही हो, है ना? शिवांश और श्रवणी और रोहन को नीचा दिखाने के लिए, को करारा जवाब देने के लिए। देखो मम्मी, श्रवणी से लड़ाई हमारी भी है, पर शिवांश से तो प्यार करते ना, सच्ची में प्यार करते हैं मम्मी। हाँ माना कि श्रवणी जैसे नहीं, पर करते हैं प्यार, इसीलिए तो पैसे दे रहे थे शिवांश के ऑपरेशन के लिए। देखिए सरद जी, अपने घर में चोरी हो गई। साले बाबू के लिए जो पैसे निकाल के रखे थे, कौन चुरा के ले गया? श्रवणी, श्रवणी, श्रवणी बेटा, श्रवणी, 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 बंदूक का क्या करोगी? छोड़, इसे छोड़ दीजिए माँ, हम भी ठाकुरों की बेटी है। आज तक सर झुका के हाथ जोड़ के विनती की है, लेकिन बात जब अपनों पे आ जाए ना, तो बंदूक उठा भी सकते हैं और गोली चला भी सकते हैं। श्रावणी, मम्मी सीधे तरीके से बताइए, पैसे कहाँ है? हम पगला गई हो, हम तुमको कैसे समझाएं, हमने नहीं चुराए ये पैसे। मम्मी देखो, देखो ड्रामा मत करो, बता तुम, बता दो कहाँ है पैसे। चुटी हमारा दिमाग मत खराब करो, हमने कोई पैसे वैसे नहीं चुराए। अरे सरहद जी, क्या कर रही हो आप? क्या कर रही हो श्रवणी? पैसे कहाँ है? पैसे हमने कोई पैसे नहीं लिए। हमने पूछा, पैसे कहाँ है? दीदी नहीं, श्रवणी क्या कर रही हो तुम? मर गई श्रवणी। और अगर आज पैसे नहीं दिए ना, तो आप भी नहीं बचेंगी। सुना ना, पैसे कहाँ है? हमने नहीं लिए पैसे। क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? हमने नहीं लिए पैसे, हटाओ इसको यहाँ से। श्रवणी, ये गलती से गोली चल गई ना, तो हमारे पीछे के
टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और फिर तुम बिना कार्रवाई किए ये सब नहीं कर सकती। तुम पता तो करो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि हमने पैसे नहीं लिए। तुमको कहा हुआ है श्रवणी? खून सवार हुआ है, खून सवार हुआ है हमारे सर पर। आज तक आपकी सारी जाति सही, हमने हर बात मानी है, हर हालात में रहे, ठीक है ना? अब बात हमारे शिवांश की है और हमें उसे सिंगापुर लेकर जाना है। सारे पैसे गायब है। काहे पैसे? हमने नहीं लिए पैसे, हम सो रहे थे जब ये सब हुआ। हमें नहीं पता कहाँ है पैसे, हमें सच में नहीं पता। आखिरी बार पूछ रहे, बताइए पैसे कहाँ है वरना। नानी, ओ नानी, नानी। हमको बहुत डर लगता है। हमने नहीं लिए पैसे सिर्फ नहीं, हमने नहीं लिए। स्वीटी की कसम, हमने पैसे नहीं लिए सर अपनी। हमारा पति भी नहीं, ना बेटा, एक बेटी है। हम स्वीटी की कसम कभी झूठी नहीं खाएंगे। हमने आपकी किसी बात पर भरोसा नहीं है, किसी भी बात पर नहीं। बताइए पैसे कहाँ है? सच सच बताइए पैसे कहाँ है वरना अबकी बार गोली यहाँ चलेगी। हम सिर्फ 3 तक गिनेंगे। 1 1 2 2 हमने पैसे नहीं लिए सरमनी। रोहन, श्रवणी, शिवांश की जान बच सकती है। क्या शिवांश की जान बच सकती है? लेकिन क्या रोहन, हम शिवांश को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। फोन पर नहीं, क्या तुम मिलने आ सकती हो? हम शिवांश के लिए कहीं भी आ सकते हैं। आओ फिर बात करते हैं। जय श्री राम। ये कैसी जगह है और यहाँ क्यों बुलाया? वो सब छोड़ो, ये बताओ, तुम बोल रहे थे शिवांश की जान बच सकती है, हाँ? कोई डोनर मिल गया क्या? हाँ? बोलो। बैठो शिवनी। हमें नहीं बैठना, तुम पहले हमें बताओ कोई मिला है क्या? रोहन, इस रिपोर्ट में तो लिखा है कि डोनर की किडनी शिवांश की किडनी से मैच हो गई है। क्या ये डोनर तैयार है? डोनर किडनी देगा आपने? हाँ, बोलो ना, ये कौन है? कौन है ये डोनर? हाँ, रोहन, इस रिपोर्ट पे तो तुम्हारा नाम लिखा है।
तुम्हारी कितनी मैच हुई है शिवान से? तुम कितनी दोगे शिवांश को? रोहन, थैंक यू रोहन, थैंक यू सो मच। तुम जानते नहीं तुमने क्या किया है हमारे लिए। तुम्हारा ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे रोहन, जिंदगी भर। हाँ, हम शिवांश को अपनी किडनी देने के लिए तैयार हैं, पर उसके बदले में हमारी एक शर्त है। तुम बस कहो रोहन, हम हर शर्त मानने को तैयार हैं, हर शर्त। जबान देते हम तुमको, हर शर्त मानेंगे हम तुम्हारी, बस शिवांश को बचा लो। पहले सुन तो लो। हमने कह दिया ना, जबान देते हम अपनी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए चारी। अर्थात मुश्किल के समय में इंसान के धीरज धर्म सच्चे मित्र और सच्ची संगनी की परख होती है। जल्दी से इनको पेन के साथ इंजेक्शन दो। जल्दी, हरी अप। डॉक्टर साहब, बोलिए डॉक्टर। अरे आप इनको लेकर सिंगापुर जाने वाले थे, उसका क्या हुआ? शिवांश ठीक है ना? देखिए वो तो अभी ठीक है, लेकिन जिस तरीके से उनकी तकलीफ बढ़ती जा रही है तो इनको बार बार पेन किलर्स देना पड़ेगा और इनकी किडनी पर बैड इफेक्ट आ सकता है। हेलो हेलो श्रवणी जी, आप मुझे सुन पा रही है? जी हम सुन रहे हैं डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी शुरू कीजिए। अब हम शिवांश को सिंगापुर नहीं लेकर जा रहे। अरे शिवांश का ऑपरेशन यही होगा। डोनर मिल गया है डॉक्टर साहब, डोनर यही आ रहा है। अब ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। गुड जी, मैं तैयारी करता हूँ। इसने चुटकियों में इंतजाम कहां से कर लिया? मम्मी कहां जा रही है? वचन में से एक वचन ये भी लिया था कि हम आपके लिए हर मुश्किल से लड़ जाएंगे, बस वही निभाने जा रहे।
शिवांश को किडनी कौन दे रहा है? क्या हुआ बताओ? तुम जानकर क्या करोगे? का है? बताने में हर्जी का है? स्वीटी पत्नी है शिवांश की, हक बनता है उसका। या तो फिर तुम बताना नहीं चाहती ताकि शिवांश को लगे सब कुछ तुमने अकेले किया है और तुम शिवांश को स्वीटी से छीन लो। अगर हमें ये करना होता ना तो हम कब का शिवांश को बता चुके होते कि आपने किस तरह स्वीटी को शराब पिलाकर उसके टेस्ट करवाए ताकि उसकी सारी रिपोर्ट गलत निकले और डॉक्टर खुद मना कर दे स्वीटी की किडनी लेने से। लेकिन डरिए मत, हम आप दोनों की तरह नहीं है, शिवांश को नहीं छीनेंगे हम। वो ठीक रहे इतना ही काफी है। खैर, ये सब चीजें आप लोगों के समझ के पर है, रहने दीजिए। मतलब तुम सीधे तरीके से मुंह नहीं खोलोगे, नहीं बताओगी ना कि किडनी किसने दी है? नर्स, इनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है ना? यस सर। आप तैयार है ना? यस डॉक्टर। नर्स, कंसेंट फॉर्म दीजिए। दिखा दिया ना अपना असली रंग। सच्चा दोस्त समझते थे तुमको, लेकिन तुम जो है तुम तो दुश्मन से भी बदतर निकले। दोस्ती का चोला पहनकर हमसे हमारे प्यार का सौदा करने चले थे। आत्मा बेच दिए तुमने। लगता है आज तक तुम्हें सब सिर्फ सौदा करने वाले लोग मिले, इसलिए हमें भी उनमें से एक समझ रहे हो। ये सौदा नहीं तो और क्या है? प्यार। पर हर प्यार के अपने मायने होते हैं। कि वो प्यार नहीं है जो तुम समझ रही हो, कि वो प्यार है जो तुम शिवांश से करती हो, कि वो प्यार है जो हम तुमसे करते थे। हमारे प्यार से खुद की तुलना मत करो। क्यों ना करें? जैसे तुम शिवांश की फिक्र करते हो वैसे ही हम तुम्हारी फिक्र करते हैं। जैसे तुम अपने प्यार के लिए शिवांश को किडनी देने के लिए तैयार हो वैसे ही हम भी अपने प्यार के लिए शिवांश जैसे इंसान को किडनी देने को तैयार। बहुत फिक्र है ना तुम्हें शिवांश की, उससे दूर रहकर भी तुम उसकी फिक्र कर सकती हो, लेकिन हम भी तुम्हें खुश देख कर दोस्त की तरफ बहुत खुश थे, यकीन मानो। दोस्ती का नाटक किया है तुमने। दोस्ती है। दोस्त मदद करते हैं, धोखा नहीं देते। ऐसे शर्त नहीं रखते। शर्त नहीं रखते तो क्या करते? बिक जाती तुम उसके लिए, पागल हो जाती। शबनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो। तुम एक ऐसे इंसान के पीछे पड़ी हो जो जा चुका है, शादी कर चुका है, यहां तक कि डिवोर्स भी दे चुका है और पेपर्स तुम्हारे पास पड़े हैं, और तुम वहीं की वहीं खड़ी हो। शबनी, कि हमारी शादी होगी तो शायद तुम भी। कभी नहीं। सुना तुमने? कभी नहीं। ये तुम अभी कह रही हो, लेकिन वक्त के साथ तुम हमको पाने के लिए इतना गिर जाओगे रोहर, हमने कभी सोचा नहीं था। बचाने के लिए, पाने के लिए नहीं। शबनी, जैसे तुम शिवांश को बचाना चाहती हो वैसे ही हम तुम्हें बचाना चाहते हैं, तुम्हारे इस बच्चे को बचाना चाहते हैं, उस सपने को बचाना चाहते हैं जो शायद तुम भूल गई हो। शादी कोई खेल नहीं है रोहन, एक बहुत बड़ा वचन है। सोनी, हमें और कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें इस दलदल से बाहर निकालने का।
तुम्हारे पास भी यही रास्ता है। छोड़ दो शिवांश को, दे दो उसे तलाक, कर लो हमसे शादी, कर लेते हैं ये शादी, खेल लेते हैं ये दावा। आपके पति की दोनों किडनियां खराब हो गई, इसके दर्द से ही वो कॉलेप्स कर गए। लेकिन आज जो रिपोर्ट्स आई वो इतनी अच्छी नहीं है। कितना वक्त है हमारे पास? देखिए, अगर डोनर नहीं मिला तो ज्यादा नहीं। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि शादी के बाद हम शिवांश से प्यार करना छोड़ देंगे और तुम्हारे हो जाएंगे, तुम बहुत गलत सोच रहे हो। इत्मीनान रखो, हम इस दोस्ती के दायरे को कभी पार नहीं करेंगे। तो ठीक है, शिवांश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हमें तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। तुम्हारे सौभाग्य से आज हमारा शिपू बच गए। उसे एक नई जिंदगी मिली है। असली हकदार तो तू है, ले खा ले। लेकिन हम आपको इस हालात में एक मिनट भी रहने नहीं देंगे। लाखों में एक है हमारी पत्नी, और आप तो हर काम में सबसे आगे हैं। जी वो कॉलेज में कुछ ज्यादा ही जोर से बोल दिए थे, माफ कर दीजिए ना। बीवी जी, जब गुस्सा है ना तो दो रोटी ज्यादा खानी चाहिए। वो क्या है ना, आपके पेट में चूहा है ना, वो हल्ला मचा देगा। श्रवनी बेटा, श्रवनी ठीक तो हो ना तुम? ठीक है माँ।
शवनी बेटा ठीक तो हो ना तुम? हाँ माँ हम ठीक है। बाल बहुत गीले रह गए उसमें। तुम माँ से कुछ छुपा रही हो? नहीं माँ कुछ भी नहीं छुपा रहे। माँ के आंचल में अपने सारे आंसू बहा दो, हम समेट लेंगे। आंसू बच्चे का है माँ, और आज तो शिवांश घर आ रहे, आपको उनके स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। इतनी मुश्किल से किडनी ढूंढे, आंसू का इंतजाम किए, और इसे देखो बाल झटकती हुई आई और शिवांश को लेके अंदर कमरे में चली गई, हमारे पति को लेके। बात तो बिल्कुल सही है स्वीटी की, सब कुछ शोभा देता है का आजकल है। अरे हम भी तो वही कह रहे हैं, कमरे में ले जाने की कोई जरूरत नहीं थी, और बताओ ऊपर से दरवाजा भी बंद कर लिए। ठीक है हम देखते हैं। अम्मा जी शिपू अभी अस्पताल से लौटा है, ये बात बाद में भी तो हो सकती है ना। धान आपकी बेटी ने बोया है, पिछली बार भी ऐसे कमरे में लेकर चली गई थी। ये रोज रोज का कान अटक लगा रखा है श्रवणी ने, हमारी बेटी नौ नौ आंसू नहीं बहाएगी। अम्मा जी चलकर दरवाजा खुलवाइए और आज के आज ये तमाशा बंद करवाइए ताकि फिर से ना दोहराया जाए। बस यही कहना था आपको? नहीं ये कहना था कि अब हम आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। साथ कर रहे आपको, लीजिए साइन कर दिया हमने इस पर, दोनों की सहमति से तलाक जल्दी मिल जाएगा। और आपकी शादी स्वीटी से जायज हो जाएगी। लीजिए जी, देखिए
ये सब करने के लिए हमारे पति को कम मिला ही है। हटो, हटो। शमी। आप ठीक है ना? क्या फूहड़पन है ये? क्या बेहूदगी है? अब इन्हें कुछ मत कहिए। इन्होंने हमारी शादी का सबसे बड़ा तोहफा दिया। ये तलाक दे दिया इन्होंने हमें। दरअसल आपने हमको नहीं खुद को आजाद किया, लेकिन हमारी एक बात याद रखना, आप जो ये सब कर रही है ना, इन सब में हमारे बच्चे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अमानत है ये हमारी, अमानत। चलिए आज ये तमाशा भी खत्म हुआ। शिवांश, शिवांश, बताया क्यों नहीं कि तुम तलाक के कागज पर साइन करने वाली हो? जब हम सुबह तुम्हारे पास आए थे पूछने, तब तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम शिवांश को तलाक देने वाली हो? श्रवणी, बोलो, बताओ, जो भी कर रहे शिवांश के लिए तो कर रहे हैं। मां, क्या छुपा रही हो श्रवणी? तुम्हें हमारी कसम, बताओ, बताओ ये सब क्यों कर रही हो श्रवणी? नहीं तो तुम हमारा मरा मुंह देखोगी। बोलो श्रवणी। मां, हम शिवांश को किडनी देने के लिए तैयार हैं, पर बदले में तुम्हें हमसे शादी करनी होगी। जजमान और कोई नहीं आएगा क्या? नहीं पंडित जी। तो फिर कन्यादान गठबंधन कैसे होगा? कन्यादान के लिए वधु की आवश्यकता होती है पंडित जी, और वो जरूर आएगी। ठीक, आप बैठ जाइए। आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।